जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि चार पांच अक्टूबर और जुमा ये दो रोजा अजीम शान इबलासा मदरसा असरफुल उलूम चेना ढाब की बुनियाद रखने के लिए ये जलसा कायम किया गया है। तो हजरात आप लोग अब तक जो जलसा के अंदर नहीं आए हैं उससे मुअत्तमाना इल्तिमास है और गुजारिश करता हूँ कि वो पंडाल के अंदर आकर बैठ जाए। अभी आप नाट्य पाठ समाप्त कर रहे थे जिसका नाम मोहम्मद नूर नबी सल्लल्लाहु मुतअल्लिम मदरसा दारुल उलूम रानीडी के तालिबा है। तो आइए हजरात मैं और मदरसा दारुल उलूम रानीडी के तालिबा है मोहम्मद रिकॉर्डिंग साहब को तकरीर के लिए स्टेज देता हूँ। वो इस शेर के महफिल में चमाल आएगा, वो आएगा तो महफिल में चमाल आएगा, अगर वो नहीं आएगा तो उसके न आने का ताऊ के दिल में ख्याल आएगा। स्टेज पर जनाब मुअज्जम साहब। हेलो, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफा अम्मा बाद फऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں अकबर जमीन में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका वह पर्दा क्या हुआ कहने लगी के अकल पे मर्दों की पड़ गया। मोहतरम हजरात, मैंने कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा हजरात के सामने पढ़ा जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की हिदायत की गई कि नबी अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और तमाम मुसलमान औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि अपने ऊपर थोड़ी सी चादर लटका लें, यानी कलामुल्लाह शरीफ इस आयत में पर्दा का हुक्म नाजिल हुआ है। पुराने पाक के दूसरी आयत का टुकड़ा है वल्लज़ीन यज़ुरूनहुन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कि औरतें अपने औरों को सीनों पर डाल लिया करे। इस आयत से भी पर्दा की जानिब इशारा है। मगर दोस्तों, जब मजहब इस्लाम के रोशन सितारों से कुफ्र इल्हाद ज़ुल्म और जहालत के बादल छटे बेहैरती और बेहयाई के तार क्या खत्म है, तो कुरान पाक अगले इंसाफ से बातिल के हराते झंडे गिर पड़े, मजलूम और बेकसों को मुसावात और बराबरी का दर्जा मिला। खासतौर पर उन औरतों को जो जुल्म सितम के चक्के में पिस रही थी, मसाइब आदम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इस्लाम को सुन्नत और पस्ती के घर से निकाल कर बुलंदी पर पहुंचा दिया। जो है इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों की पढ़ाई के गीत गाए जाते रहे। अगर औरत की तारीख खोले जाए तो गैर मुस्लिम औरतों पर मुसलमान औरतों की फजलत और बदतरी दिखाई देगी। लेकिन देखते ही देखते पूरे दुनिया में शैतानी डंके बजने लगे। मगर दोस्तों, जब मजहब इस्लाम के रोशन सितारों से कुफ्र इल्हाद ज़ुल्म और जहालत के बादल छटे बेग़ैरती और बेहयाई के तारे हुक्म होने लगे,
उसके घर के चार दीवारी से निकाल कर शराए आप पर बदनाम सेवा करने की अंत कोशिश की गई। उसे जमीन महफिल बनाकर दरिंदा सूफत इंसानों के हवाले किया गया। पर्दा के मुखालिफत में या तो उससे भाग दिया कर दे गए, उनके सिर्फ एक सदा थी के पर्दा के फिर मौत को चेक और ऐसा रैसा किया जाए और औरतों को बेनकम और बेहया छोड़ दिया जाए। वो जो चाहे कुल खिलाए चुनाचे ख्वाहिशात को पत्थरों के आर से पूर्ण हुई और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम खातिन को बहता लिया और मुस्लिम औरतों ने भी पर्दा जैसे अजीम नेमत को पेट पीछे डालकर मर्दों के साथ कांधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर दिया। बिना पूछिए कि इस्लामी माशरा किन किन खराबियों से दो चार हुआ, कितनी मुसीबतों और आफतों का सामना हुआ। बदकारी और जिनाकारी आम होती चली गई। मकान और दुकानों बस्ती और बयाबानों में बुराइयां ही बुराइयां नजर आने लगी। मोहतरम दोस्तों, अगर इस्लाम दुश्मन ताकतवर अमरीका के पर्दा खिलाफ नारा बुलंद करे तो हमें इस पर कोई ताज्जुब व हैरानी नहीं, क्योंकि इस्लामी तालीमात को हर तरह बदनाम करना उनका सेवा बन चुका है। मगर अफसोस अफसोस, आज हमारे कौम के अक्सर लोग जो मुसलमान होने का दावा करते हैं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाते हैं, वो भी उसी जहनी गुलामी का शिकार है। खासतौर पर अंग्रेजी तालीम याफ्ता तबका वो भी उसमें ज्यादा मुबतला है। पर्दा के मामले में इस्लाम दुश्मनों के साथ दोस्त बदो चल रहे हैं। इसे शायर ने ऐसे ही लोगों के बारे में कहा है, उन्हीं के महफिल संवारता हूँ, उन्हीं के महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनके, उन्हीं के मतलब ये कह रहा हूँ, जबा मेरी है बात उनकी। मुख्तरम दोस्तों, आज पर्दा के मसाइल को लेकर मुनाजरे और बाजियां मजबूत निगाहें होती रहती है। पर्दा के खिलाफ तहरीकें चलती है। पर्दा को एक बहुत बड़ी नाइंसाफी कहा जाता है। कहा जाता है कि पर्दा कैद है, पर्दा को अशियत बताया जाता है। आज मगरबी तहजीब ने औरत को शर्मोखिया की दौलत को लूट लिया है। कहते हैं कि पर्दा करने से तरक्की नहीं हो सकती। नतीजा यह है कि आज हमारा खानदानी और मुआशरत निजाम तबाह हो चुका है। अखलाकी आदत और शर्मोखिया का जनाजा निकल चुका है। यही वह तहजीब है कि जिसने औरत को चलाने खाना बनने के बजाय उसके अंदर समय महफिल बनने का जज्बा उभारा है। रिवाजें बेहिजावे खुशनुमा कांटों की माला है, रिवाजें बेहिजावे खुशनुमा कांटों की माला है, नई तहजीब से होशियार या तारीख उजाला है। ये उस औरत अमरीका के बैन है गए, नौजवान लड़कियां पारी से दुपट्टा गले में डालकर चुस्त और पारी के लिबास पहनकर खुले आम घूम रही है। मैं अपने माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि हमारी कामयाबी कामराई कुफारा मुश्रिकीन और ईसाई के पातों में नहीं, बल्कि हमारी कामयाबी कामराई खुदा वहदहू ला शरीक और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके और इस्लामी अहकाम के अंदर है। हमें अगले का चरा खुलकर नफसी पीछे भागने और मगरब के बाद तहसीब और नकल करने की जरूरत नहीं। हमारी हिदायत पुराने सुन्नत के पता हुए तरीके में है। इस्लाम के पास मानो हजरत आसमा ही आयशा की बहन है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। एक बार बारीक कपड़ा पहनकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गई तो सरवर कायनात नजर फेर ली और इरशाद फरमाया, ए आसमा, जब औरत बालिग होने को उम्र को पहुंच जाए तो उसके जिस्म से कुछ भी देखना जायज नहीं सिवाय इसका चेहरे और हदन है। इस हदीस से इस बात का साफ पता चलता है कि बारीक कपड़ा पहनना पर्दा के खिलाफ है। इंसान पर खूबसूरती चढ़ी हुई नहीं तो आंखें है, नफ्स के सबसे बड़े चोर है। दिल जज्बात और कल्बे एहसास के तर्जुमान इसको अहदा मोहब्बत का पैमाम बनाने की जिम्मेदारी वही तो आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि हम लोगों को इस्लामी अहकाम के अंदर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।